हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता ही है, रिजल्ट्स का डे है। ओके, एचयूएल के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर भी गिरावट नज़र आ रही है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता। तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसे खरीदना चाहिए या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल जिस तरीके से ब्रिटानिया के रिजल्ट आए थे और मार्केट गिरा था, उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए सीधे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एचयूएल के रिजल्ट्स हैं। ओके, आपको ऑलरेडी मैंने एचयूएल से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, तो उसे भी जाके देखिएगा। और आपको रिजल्ट्स सामने, आपके सामने ही हैं, तो आइए इसे पूरा रिव्यू करते हैं क्या हुआ है रिजल्ट्स में एक्चुअली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट्स है करोड़ में है। ओके, ये सारे के सारे नंबर जितने भी है वो करोड़ में नंबर है। 2020 के ये सितंबर के रिजल्ट्स है, ये 2019 लास्ट ईयर के रिजल्ट है सितंबर के ही, और ये जून के लास्ट क्वार्टर के 2020 के रिजल्ट्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 2020, 2019 और ये 2020 लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, क्वार्टर वन के, और ये क्वार्टर टू के, और ये लास्ट ईयर के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, 11,510 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रिवेन्यू हुआ है सेल्स और प्रोडक्ट का। ओके, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से जो हमारा रेवेन्यू हुआ है इस कंपनी का, 11,510 हुआ है। लास्ट ईयर था 9,931, जिससे काफ़ी अच्छा इसने जंप दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको नज़र आ रहा है। एज वेल एज अगर लास्ट क्वार्टर की भी बात की जाए, तो लास्ट क्वार्टर में 10,570 करोड़ रुपीज़ का, ओके, यहाँ पर इनका सेल्स ऑफ प्रोडक्शन से रेवेन्यू हुआ था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो काफ़ी क्वार्टरली वाइज भी एज वेल एज ईयरली वाइज भी अगर हम देखें, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जंप देखी गई है। एज वेल एज सेल्स ऑफ सर्विस की बात की जाए, तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 2, लास्ट ईयर में 26, और यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज़ का इस बार हुआ है। अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू की बात की जाए, तो 159 करोड़ रुपीज़ का लास्ट क्वार्टर का था, इस लास्ट ईयर का था 148, और इस क्वार्टर का 168। बट हमारे लिए मेन क्या है, हमारे लिए मेन है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि रिवेन्यू किस जो काम कंपनी करती है उसे सेल करके, उसमें उससे वो कितना रिवेन्यू अर्न करती है, ऑपरेशन के थ्रू कितना रिवेन्यू अर्न करती है, वो मायने रखता है। तो मेन रिवेन्यू इसे ही माना जाएगा। बट फिर भी टोटल इनकम की अगर बात की जाए, तो लास्ट क्वार्टर था 10,885, लास्ट ईयर था 10,223 करोड़, और इस बार जो हुआ है वो 11,776 करोड़ रुपीज़ का। ओके, 11,776 करोड़ रुपए का सिंपल यहाँ पर टोटल इनकम हुई है। तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव रिवेन्यू यहाँ पर आपको जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब रिवेन्यू हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, सेल्स में एक्सपेंसेस भी होंगे। तो एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं कि कितने एक्सपेंसेस हुए। तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस, लास्ट क्वार्टर था 8,324 करोड़ रुपीज़ का, लास्ट ईयर था 7,885 करोड़ रुपीज़ का, और अभी जो हुआ है वो 9,054 करोड़ रुपीज़ का, लगभग 9,054 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्वार्टरली वाइज एज वेल एज ईयरली वाइज बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और किसी भी कंपनी के लिए अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात नहीं होती। बट देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, वो आगे देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 2,442 लास्ट क्वार्टर था, इस बार लास्ट ईयर था 2,290, और इस बार जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हुआ है 2,639 करोड़ रुपीज़ का। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, जो कि बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली वाइज। और अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात की जाए, हमें टैक्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि टैक्स तो देगा, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को टैक्स तो जाएगी, तो टैक्स देने के बाद जो हमारा रिवेन्यू हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, लास्ट क्वार्टर आपको दिखाई दे रहा है 1,897 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, लास्ट ईयर 1,818 ओके 1,818 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर, और इस बार का जो रिजल्ट है, जो अभी सितंबर क्वार्टर टू का रिजल्ट है, उसमें जो प्रॉफिट हुआ है 1,974 करोड़ रुपीज़ का, यहाँ पर साफ आपको मुनाफा नज़र आ रहा है, जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली वाइज काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो
हम कह सकते हैं कि इसने एचयूएल ने जो रिजल्ट्स पेश पेश किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पेश किए हैं। तो यहाँ पर हम ईपीएस भी देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर कितना है। तो जैसे कि आप ईपीएस देख रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर था 8.08 रुपीज़ का, ओके। अभी लास्ट ईयर था 8.38, और अभी जो हमारा यहाँ पर ईपीएस नज़र आ रहा है 8.40 रुपीज़ का, 8.4 का आपको यहाँ पर ईपीएस नज़र आ रहा है, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसके बाद रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, रिवेन्यू भी अच्छा हुआ है, ऑपरेशन भी अच्छा हुआ है, और इसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। तो सब चीज़ में हमें जंप नज़र आती है, एज वेल एज क्वार्टर एज वेल एज हमारा ईयरली बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट पेश चुकी है। बट अब देखते हैं आज का परफॉर्मेंस की। देखिए, रिजल्ट्स आ गए थे मार्केट के दौरान ही, ओके, और फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी हमें पॉजिटिव शो करना चाहिए था, बट यहाँ पर नेगेटिव 0.17% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शेयर्स है, जो एचयूएल शेयर है या अच्छे अच्छे जो शेयर्स है, ये हमेशा ही जो ऑपरेटर होते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ओके, ऑपरेटर से रिलेटेड, वो आपको डरा के, ओके, आपके पोर्टफोलियो से शेयर को निकाल देते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, ओके, आप उसे देख लीजिएगा, और उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वो आपको अच्छे शेयर्स को आपके पोर्टफोलियो से निकालते हैं। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे शेयर्स को निकाल के वो आपको बेकार शेयर में भेज देते हैं, और फिर आपका लॉस हर बार होता जाता है होता जाता है। तो किस तरीके से, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा ऊपर आई बटन पर। एज वेल एज आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पर गिरावट देखी गई है, काफ़ी मतलब थोड़ी सी, और कल की डेट में शायद ये गिरावट और गहरी हो सकती है। अच्छा खासा ये शेयर और टूट सकता है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने बताया ही था आपको कि हम किस तरीके से ऑपरेटर खेलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, कल रिजल्ट पेश किए थे ब्रिटानिया ने भी, ओके, मुझे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे थे। क्यों? क्योंकि किस वजह से, उनका क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ था, बट ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा, इन्होंने 21% 23% का यहाँ पर ईयरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ नज़र आया था। बट फिर भी आप देख रहे हैं कि लगभग 5.82% की यहाँ पर गिरावट देखी गई है। अब होता क्या है कि ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, अपने अपने सेल करने लग जाते हैं अपने शेयर्स को, ओके, और टीवी न्यूज़ वाले और ज़्यादा इसे बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं। तो ऐसे शेयर्स को आप पोर्टफोलियो से ना निकालें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिमम देखिए क्या रिजल्ट आपको, किस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर पेश हो रहे हैं, किस तरीके से चार्ट जा रहा है। 58 रुपये का शेयर 4,000 रुपये तक पहुँच गया था, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ऐसे पोर्टफोलियो में रखिए। इसके रिजल्ट मैंने कल पेश किए, कल आपको शो किए थे, तो वो भी आपको ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा। तो दोनों वीडियो, ओके, ऑपरेटर से रिलेटेड एज वेल एज ब्रिटेनिया के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो उसे देखना ना भूलिए, ओके। तो रिजल्ट अच्छे हैं, फिर भी गिरावट है, और कल गिरावट और हो सकती है, और अगर कल गिरावट और होती है तो इन शेयरों को बेचना मत, अपने पोर्टफोलियो में जगह देना। फ्यूचर में मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा देता हूँ, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको ग्रोथ एज वेल एज आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। और गिरावट तो देखिए हर पैमाने पर होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।